हेलो दोस्तों, मैं हूं टीटरिक्स जी और आप सभी लोगों का स्वागत है वन गेम ईस्पोर्ट्स के चैनल पे। आज भी हमारे पास है ढेर सारे न्यूज, तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का पहला न्यूज निकल के आता है द आईजीएल मावी की तरफ से, और मावी इधर अपने ईस्पोर्ट्स करियर को लेकर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करते हुए सुनाई दे। चलिए नजर डालते, उन्होंने क्या कहा। नहीं यार, रिटायर कुछ नहीं हुआ अभी यार, फुल टाइम नहीं हो रहा था मेरे से फॉर नाउ। मेरे को काफी सारी प्रॉब्लम आ रही थी फुल टाइम ईस्पोर्ट्स खेल के, तो आई डोंट वांट टू मतलब फक अप एवरीथिंग, तो मैंने थोड़ा सा एक वाइज डिसीजन लिया। सही है, थोड़ा ब्रेक लो, रिलैक्स करो, अम्मा बहन मार दो ईस्पोर्ट्स में। यार अम्मा बहन मार दी यार, गाइस जो भी प्रूव करने वाला था देखो वो कर दिया, जितना प्रूव करने वाला फैक्टर था वो कर दिया। अब तो देखो हम लोग बस ये बोल सकते हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे से खेल सकते हैं, और जो बाकी लोग खेल रहे हैं अपने टीममेट्स उनके अच्छे के लिए हम खेल सकते हैं। अच्छा बैक्स थोड़ा नहीं, सच में यार मतलब ऑनेस्ट ये मैं कभी शेयर नहीं किया था। मैं हमेशा से तुम्हें बोलता था कि जब मैं कुछ खुद अच्छा कर लूंगा तब मैं बताऊंगा, कसम से टीममेट बहुत गांडू थे मजाक चढ़ के। वो आज भी कहीं नहीं खेल रहे और वो तब भी गंदा खेलते थे और हमेशा रंडी होने की है। कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल कोई ग्रज नहीं है, कुछ नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत गंदा खेलते थे, अंदरों अंदर ही टूट गया था मैं। और एज आई ऑलवेज सेड कि मैं तब तक कुछ भी नहीं बोलूंगा जब तक मैं खुद नहीं बता दूं कि हाँ मैं तब भी अच्छा खेलता था, जब सब आ रहे थे तब भी अच्छा खेलता था, बट फिर भी मेरी गांठ फट रही थी, बैंक सब मेरे पे आ रहा था। मैं आज भी अच्छा खेलता हूँ, वो भी मैंने प्रूव कर दिया। स्काउट को हेड मत दे, स्काउट को हेड क्यों दूंगा मैं अपने, मैं फास्ट की बात कर रहा हूँ। जब हम टीममेट्स थे सारे लगा लो, सब लगा लो यार, नहीं खेलते खेलते उतना अच्छा हमारा नहीं जमता था, नहीं अच्छा था ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हाँ हो सकता है बीच में मैं भी अच्छा ना खेलता हूँ, बट मैंने प्रूव किया ना हम लोग, वो तो उसको भी बताया हम लोग खेलना के बंद किया था, हमारा नहीं जमा था इसलिए हम खेलना बंद किया था। चलो गेम बैन अलग बात थी, मैं कॉम्पी की बात कर रहा हूँ, कॉम्पी की बात कर रहा हूँ, वैसे आउट गेम या कुछ उसकी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्पी की बात कर रहा हूँ कि नहीं जमा था इसलिए तो बहन चो लगे थे नहीं खेले थे इकट्ठे। मॉडल रेड आफ्टर बीजेस दैट यू इंस्पायर एवरीवन हु रिटायर्स फ्रॉम अ गेम टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक क्यू लाइक भाई, और कहा तो वो करा ना, मैंने करा ना, दैट डिड ना। मेरे को सिर्फ एक ही चीज प्रूव करना था कि मैं कभी गंदा खेलता ही नहीं था, ना ही मैं गंदा खेलता हूँ, ना ही गंदा खिलाता हूँ। ओ जो गाली एंड स्पोर्ट्स खत्म गाइस, इट्स ऑफिशियल न्यूज, तो बता दो मावी रिटायरमेंट, तेरी माँ का मैं जब बोला ही नहीं रिटायर, मैं कभी होना नहीं चाहता तो कैसे कर देगा। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, एक चीज और भी मेरे को बोलनी थी यार। हाँ तो रही बात जो टॉक्सिसिटी एंड ऑल की है, वो देखो वो आज के प्लेयर्स को भी प्रॉब्लम है, वो आज के प्लेयर्स भी नहीं सह पाते, बट प्लेयर्स कभी भी ये समझ नहीं पाए कि मैं वो बंदा नहीं हूँ जो अपनी गलतियाँ दूसरों पर डालता है, मैं वो बंदा हूँ जो हग के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अगर टीममेट टीम हग दे या टीममेट हग दे तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और मैं गुस्से में आके वो करता हूँ ताकि हम अगली बार के लिए सुधार पाएं, बट वो चीज़ें सबको बच्चों को बुरी लग जाती है। आई डोंट नो सबका माइंडसेट कैसा होता है, सब लोग मैच्योर नहीं होते, मैं भी अपने टाइम में मैच्योर नहीं था, आई डोंट नो कैसे क्यों बुरा लगता है। और कुछ लोगों को तो पहले बुरा नहीं लगता था, जब सब ठीक हो जाता है तब बुरा लगने लग जाता है, जब वो खुद को तोप समझने लग जाते हैं फिर सब खत्म भी हो गए देखो, है ना। निकल के आता है मेजी एंड सेंसे की तरफ से। हम लोगों ने प्रीवियसली बीजीएस के अंदर तो देखा ही था कि किस तरीके से सेंसे और मेजी के लाइक बीच में एक फनी बैंटर चलता हुआ दिख रहा था, वही चीज एक बार फिर से जो है वो होता हुआ दिखा ऑन लाइव स्ट्रीम। चलिए नजर डालते हैं उन्होंने क्या क्या किया। मजा नहीं आता आपके बिना, तो मेजी भाई को बोलो थोड़ा इंप्रूवमेंट करे, कब तक मतलब दूसरी टीमों को पै 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 भाई कास्टिंग में ध्यान दो, इंप्रूवमेंट करो, मेजी भाई को टैग करो और बताओ नई चीज, सुन रहे हो मेजी भाई। चलो लेकिन इस बार अच्छी खबर है कि इस बार बीजीएमआई में शायद से मेजी भाई ना आ पाए, और इस बात का मुझे बहुत बुरा लगेगा। और हाँ टैलेंट अलग है ना नॉर्डविन का, हाँ क्रैड भाई सुपर जॉनी, हाँ लेकिन मेजी भाई से एक सेकंड कॉल आ रहा है मेजी भाई का। अच्छा क्या बात कर रहे हो सही में, अच्छा तो लौटना है भाई, मेजी भाई का कॉल आया है कि अगर तुम्हें मेजी भाई जो है देखने हैं तो तुम्हें किड्स सेक्शन में देखने को मिल सकते हैं मेजी भाई BGMS में, तो देखते रहना मेजी भाई आपको कभी दिख सकते हैं। अभी क्या बोलेगा, अच्छा बोल रहे जो बैलून उन्होंने देगा उसे शाउट आउट मिलेगा, स्टोरी भी रिपोस्ट होगी। नहीं नहीं, जो आइसक्रीम देगा उसको शाउट आउट मिलेगा। बलून क्या होता है, बलून से कौन खेलता है भाई, आइसक्रीम दोगे तो आइसक्रीम नहीं चाय पिलाओगे तो। देखो मैं मेजी भाई से इसलिए मजाक करता हूँ ना क्योंकि वो भी मेरी टांग खींचते हैं और मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो बड़े भाई जैसे, तो हमारा मस्ती मजाक। नेक्स्ट न्यूज निकल के आता है जेली एंड निंजा की तरफ से, दोनों ही इधर दोनों से इंटरव्यू लिया गया था, चलिए नजर डालते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। और कौन सी थ्री टीम्स है जो आप स्ट्रॉन्गेस्ट समझते हो? मेरे अकॉर्डिंग जो तीन स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स रहने वाली है वो एक तो मोगो रहने वाली है, दूसरी अपनी रेकनिंग ईस्पोर्ट्स, और तीसरी जो वेनम गेमिंग मतलब अभी जो गॉड ट्रेन है वो काफी अच्छा खेल सकते हैं। जो तीन स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आपको लगता है जो है BGMS में?
नेक्स्ट न्यूज निकल के आता है पंक की तरफ से, जब उनको पूछा गया क्या चेंजेस है क्या नहीं, तो गॉडलाइक के अंदर क्या चेंजेस है उसको लेके बहुत सारे बातचीत इधर होते हुए सुनाई दिए। तो चलिए नजर डालते हैं उन्होंने क्या कहा। इसके BGMS के पहले क्या सीन, कैसा दिमाग माइंडसेट कैसा है? माइंडसेट अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग करी थी कोच साहब के साथ में, सबनी हां धोनी भी आया था, सबने कही तो सबका एक ही माइंडसेट था कि इस बार निकाल देंगे। हां पॉजिटिव था, मतलब एक दूसरे पर पॉजिटिव आए हुए टीम में, मतलब हमारे किसी को शिकायत नहीं थी, थोड़ी बहुत तो शिकायत जैसे मेरे को भी थी, मैंने टीम सबके सामने बोला ये दिक्कत है, एडमिन ने बोला, धोनी ने बोला और जेनी ने भी बोला, तो अभी क्या सारी चीजें क्लियर हो गई है, तब बेटर परफॉर्मेंस आएगा। मेजी भाई का गोडल में भी होंगे चेंजेस, यही है, अगर IGL का चेंज होता है तो होता है, बाकी ठीक है। नेक्स्ट न्यूज निकल का आता है इधर जॉनसन की तरफ से। रिसेंटली जॉनसन इधर अमन के साथ एक इंटरव्यू पे हम लोगों को देखने के लिए मिले और बहुत ही ज्यादा मजा भी आया। चलिए नजर डालते हैं उन्होंने क्या कहा। दोस्तों 2019 के बाद पहली बार मिल रहा है यार, तू मिस किया। ए भाई तू ही साथ छोड़ करके इस हट तक तेरे लिए बता, जॉनसन मेरे साथ किया है ना तूने पहले, तेरे साथ कर ले कोई प्रॉब्लम कर लेगा करेगा। नेक्स्ट न्यूज इधर निकल के आता है नियो की तरफ से, और नियो इधर बातचीत करते हुए सुनाई दिए थे विथ लाइक ऑन द हैकर्स, ऑब्वियसली नॉट विद द हैकर्स, ऑन द हैकर्स। एंड जब उन्होंने कहा कि लाइक वो काफी डिसअपॉइंटेड थे हैकर्स को लेके, देख लेते डायरेक्टली उन्होंने क्या कहा। लोग ने पूरा ना गेम बर्बाद करके रखे, और मेरे को खराब ये बात का लगता है कि और ये चीज पे ऑफिशियल्स को एक्शन भी नहीं लेते, उनका ऐसा है कि चल रहा है चलने दो, मतलब करो ना ब्रो कुछ करो तुम, मतलब हर बार ऐसे नहीं हो सकता कि टूर्नामेंट चल रहा है और उसके बाद तुम टूर्नामेंट इसको निकाल दो या हैकिंग टीम को और बाकी टीम को कंपेंसेशन दे दो 4-5 पॉइंट ये। बट जितने मैचेस खराब करे वो मैचेस में वो टीम के साथ 10 पॉइंट भी आ सकते थे, 15 पॉइंट भी आ सकते, उसका क्या। गाइस आज के लिए न्यूज इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल एक और तड़कता भड़कता न्यूज वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड सायनारा।